हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। चैप्टर थर्ड का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे हमने, एक क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड देखिए, चैप्टर थर्ड है ये। शो दैट इक्वेशन जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज कंपैटिबल विद एनी इक्वेशन एफ ओफ एक्स वाई जेड पी क्यू, यानी कि इनमें आपकी किसी में भी इक्वेशन हो सकती है, विच इज़ होमोजेनियस इन एक्स वाई एंड जेड। मीन्स आपको यहाँ बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कंपैटिबल होगी इस इक्वेशन के साथ, और ये इक्वेशन दे रखी है कि होमोजेनियस है एक्स वाई एंड जेड में। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। ये हमें शो करना है कि इसके साथ ये कंपैटिबल इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखिए, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन हमें गिवन है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसको हमने ले लिया जी ऑफ लेट जी ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट इसको लिखेंगे हम, अगर यहाँ लिख देती हूँ, जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, z को इधर ले जाइए, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड, दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट। हमें शो करना है कि ये इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि इस इक्वेशन के कंपेटिबल होगी, इसके साथ कंपेटिबल है, और जहाँ पे एफ फंक्शन जो वो होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है हमें, देन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है, गिवन इज होमोजीनियस इन कौन कौन से वेरिएबल्स में होमोजीनियस है, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एलर थ्योरम क्या होती है, एलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस, इफ़ u इज इक्वल टू, अब u देखिए किस फॉर्म में होगा, x रेज टू पावर n f ऑफ y बाय x, इस फॉर्म में होना चाहिए। u इक्वल टू x रेज टू पावर n f ऑफ y बाय x इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, x एंड y दो वेरिएबल में होमोजीनियस हैं, देन बाय एलर थ्योरम एलर थ्योरम क्या कहते हैं, x इंटू कर्ल यू बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल यू बाय कर्ल y इक्वल टू n इंटू यू, वेयर n इज अ डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन u। एन जो होती है वो डिग्री होती है होमोजेनियस फंक्शन की, और डिग्री हम कैसे देखते हैं, जो एक्स की पावर होगी, यहाँ पे देखिए जो भी एक्स की पावर है, दिस इज एक्स रेज टू पावर एन है, देन एन इज अ डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन यू। तो हम ये, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है कि यू आपके पास यानी कोई भी फंक्शन होमोजेनियस दे रखा है, देन हम ये वाली थ्योरम यानी कि एलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको होमोजेनियस फंक्शन गिवन है, हम ले लेते हैं कि लेट n इज अ डिग्री ऑफ फंक्शन f, क्योंकि f होमोजीनियस फंक्शन है, देन n हम इसकी डिग्री ले लेते हैं। अप्लाइंग एलर थ्योरम, एलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन f वी गेट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल का एग्जांपल दिया है, एक्स वाई एंड टू वेरिएबल है, अगर यहाँ पे जेड और होता तो जेड इन टू कर्ली बाय कर जेड भी आ जाता वहाँ पे। अब यहाँ पे हम होमोजीनियस फंक्शन देखते हैं तो थ्री वेरिएबल्स के अंदर है, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, एन हम मैंने इसकी डिग्री ली है, एक्स इन टू कर्ल एफ, हेयर एफ इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड एग्जाम्पल में मैंने यू लिया है, ठीक है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस
y इंटू कर्ल f बाय कर्ल y प्लस z इंटू कर्ल f बाय कर्ल z, और इक्वल में क्या होता है n इंटू u मीन्स डिग्री ऑफ दिस फंक्शन, एंड डिग्री हमने इसकी n ली है, n इंटू f. ओके, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. अब हमें बता रहे हैं कि f और g दीज आर द कंपैटिबल इक्वेशन. सेकेंड हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये हम इक्वेशन थर्ड इसको आप इक्वेशन वन डालिए. यहाँ से देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन यानी कि इससे क्या दे रखा है, f ऑफ दिस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि f हमारा किसके इक्वल है, ज़ीरो के. तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे n इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, और ये कहाँ से लिया हमने रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. सेकेंड में f इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास, यहाँ से स्टेटमेंट से गिवन है. नाउ इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया हमारा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं. नाउ f एंड g आर कंपैटिबल, यही हमें शो करना है कि दोनों कंपैटिबल होंगे इफ एफ जी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए. और एफ जी क्या होता है, एफ जी क्लोज ब्रैकेट में जैकोबियन जो हमने पढ़ा था, कर्ल एफ जी डिवाइड बाय कर्ल. नाउ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और कंपैटिबल इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो एफ एंड जी हमारे पास कंपैटिबल आ जाता है. सॉल्व कीजिए इसको, सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ जी कर्ल एक्स पी, जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे, देन कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल पी, ऐसे यहाँ से कर्ल जी बाय कर्ल एक्स एंड कर्ल जी बाय कर्ल पी. सॉल्व करते हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं गिवन हमें, यानी कि कोई स्टेट एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा कर्ल पी. जी का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यहाँ से आ जाएगा पी. जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगी. देन एक्स इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल पी. नेक्स्ट इज एफ जी, नेक्स्ट जैकोबियन है जेड पी में, जेड पी में कर्ल एफ बाय कर्ल जेड, कर्ल एफ बाय कर्ल पी, एंड जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे माइनस वन डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, एंड जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे, देन यहाँ से एक्स आ गया. देन एक्स इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, कर्ल एफ बाय कर्ल पी. थर्ड जैकोबियन इज कर्ल एफ जी, एंड ये वाई क्यूब में है, कर्ल वाई क्यूब, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यूब, कर्ल जी बाय कर्ल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, देन क्यू डेरिवेटिव, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्यू करोगे देन वाई. क्लियर, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड क्यू करेंगे, देन वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वाई इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस क्यू इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू. लास्ट जैकोबियन है आपके पास एफ जी जेड पी में, सॉरी जेड क्यू में, ये सॉल्व करते हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड एंड कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, एंड एफ जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड इज माइनस वन, विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे देन वाई. यहाँ से आ जाएगा वाई इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड, एंड माइनस प्लस हो जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू. दीज आर द वैल्यूज ऑफ फोर जैकोबियंस. सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देन लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ से क्या सॉल्व होती है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड तक हम यूज़ कर चुके हैं, इसको फोर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फोर सॉल्व करेंगे. एफ जी वैल्यू आएगी हमारे पास, कर्ल एफ स्टार्टिंग जैकोबियन की वैल्यू है,
x इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल x माइनस पी इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल p. सेकेंड में है p मल्टीप्लाई में p इंटू जेड पी, यानी कि सेकेंड जैकोबियन की वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल z प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल p. थर्ड इज y एंड q, थर्ड जैकोबियन y इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल y माइनस q इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल q. एंड लास्ट इज q मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड इस जैकोबियन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, y इंटू कर्ल एफ बाय कर्ल z प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल q. अब हमें इसको सॉल्व करना है और इक्वल टू ज़ीरो के लेके आना है. जो फैक्टर कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कीजिए, देन यहाँ से कोई कैंसिल हो गया, कर्ल एफ बाय कर्ल x पी वाला देखिए, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है. जैसे इसको ओपन करेंगे, हम यहाँ पे ही कर रही हूँ, पी की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस पी इंटू क्या था, हाँ ठीक है, यही है हमारे पास, ये वाला इसके साथ पी मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ओके, सेम टू सेम मैं क्यों के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यहाँ पे आ गया और एक क्यों यहाँ पे आ गया. ओके, ब्रैकेट हटा दी हमने, मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस फैक्टर कैंसिल एंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आएगा x इंटू कर्ल f बाई कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल f बाई कर्ल y प्लस यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, और इनमें दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कर्ल f बाय कर्ल z, दोनों फैक्टर्स में से कर्ल f बाय कर्ल z हमने कॉमन ले लिया है. ओके, नाउ इसकी वैल्यू फ्रॉम दिस स्टेटमेंट से हम पी एक्स प्लस क्यू वाई की वैल्यू जेड रख सकते हैं, देन ये आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं, चलो नेक्स्ट ही ले देती हूँ, एक्स इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई, एंड इसके प्लेस पे मैंने रख दिया जेड कर्ल एफ बाई कर्ल जेड, क्योंकि जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये हमें गिवन है, ठीक है. नाउ इक्वेशन जहाँ से हमने होमोजीनियस की कंडीशन निकाली थी वहाँ से हमारे पास आया था कि दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस इक्वल टू एन इंटू एफ लिया था, एफ हमारा जीरो था तो इक्वल टू जीरो आ गया था. इक्वेशन नंबर शायद थर्ड ली होगी हमने, वो रफ कर दिया मैंने यहाँ से, तो इक्वेशन थर्ड से यहाँ से देखेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. ये किसका यूज़ किया हमने, क्योंकि f हमें होमोजीनियस फंक्शन गिवन था, है ना, होमोजीनियस फंक्शन पे हमने एलर थ्योरम अप्लाई किया था, और एलर थ्योरम हमारे पास ये किसके इक्वल आया था, n इंटू एफ के, n हमने डिग्री ली थी f फंक्शन की, और f हमें गिवन है इक्वल टू जीरो के, देन f की वैल्यू रखेंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा. यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा था एफ जी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट f एंड g आर कंपेटिबल, कब, जब f आपके पास होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है. अगर ये होमोजीनियस नहीं होता तो हम इसका रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते थे कि इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशंस f इक्वल टू जीरो एंड g ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो आर कंपेटिबल इफ दिस कंडीशन इज हॉल्ड, यानी कि ये फैक्टर इक्वल टू जीरो आ जाता है, देन f एंड g आपके पास कंपेटिबल होंगे, आपको शो करना है. देन गिवन इक्वेशंस क्या है, यहाँ से गिवन इक्वेशंस आर एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हमें दोनों को कंपेटिबल शो करना है, देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर कंपेटिबल, if fg क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या होती है, कर्ल fg कर्ल xp प्लस p इंटू कर्ल fg कर्ल zp.
प्लस कर्ल एफ जी कर्ल वाई क्यू प्लस क्यू इंटू कर्ल एफ जी डिवाइड बाय कर्ल जेड क्यू इक्वल टू जीरो। यानी कि ये दोनों इक्वेशंस कंपेटिबल कब होंगी, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है, इफ दिस इक्वल टू जीरो। इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। नाउ जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, अच्छा इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है इनमें जेड नहीं है भाई, इनमें सिर्फ एक्स वाई पी क्यू, स्टेटमेंट मैंने ध्यान से देखी नहीं है, यहाँ पे जेड नहीं है, डायरेक्ट पी क्यू है, एक्स वाई एंड पी क्यू। ओके देन जो इक्वेशंस है यहाँ से आप जेड को हटाइए एंड यहाँ से भी जेड हट जाएगा, तो ये इक्वेशंस हमें गिवन है। यानी कि एफ जो है इक्वेशन एक्स वाई पी क्यू की टर्म में है, ऐसे ही जी के पास भी जेड की टर्म नहीं है। नाउ जो इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपेयर बाय एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। इन इक्वेशंस को दोनों को हम इनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि जो टर्म है जेड की, वी कैन सी दैट टर्म ऑफ जेड इज मिसिंग। ओके दोनों में जेड की टर्म मिस है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट अगर मैं एफ का डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, जीरो, बिकॉज इसमें जेड की टर्म ही नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा जीरो। सेम टू सेम तरीके से अगर मैं जी का डेरिवेटिव भी करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड, दिस इज ऑल्सो जीरो बिकॉज हेयर जेड इज मिसिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपके पास दो फैक्टर जीरो आ जाते हैं तो जैकोबियन जिसमें जेड का यूज़ हो रहा है, दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कर्ल एफ जी कर्ल जेड पी, दिस इज इक्वल टू कर्ल एफ बाय कर्ल जेड कर्ल एफ बाय कर्ल पी, यहाँ से कर्ल जी बाय कर्ल जेड एंड कर्ल जी बाय कर्ल पी एंड हेयर कर्ल एफ बाय कर्ल जेड एंड कर्ल जी बाय कर्ल जेड बोथ आर जीरो, देन हमारे पास ये बन जाएगा जीरो जीरो, कर्ल एफ बाय कर्ल पी एंड कर्ल जी बाय कर्ल पी कंप्लीट इज जीरो। सेम टू सेम हम निकालते हैं कर्ल एफ जी डिवाइड बाय कर्ल जेड क्यू, दिस इज ऑल्सो जीरो। सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड कर्ल जी बाय कर्ल जेड बोथ आर जीरो, देन कंप्लीट डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशंस, अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशंस कंपैटिबल होंगे कब, जब दिस इज इक्वल टू जीरो होगा। मैं इसी को प्रोसीड कर रही हूँ, इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हमें इफ एंड ओनली इफ शो करना है, या फिर इफ इफ भी, चलो इफ यूज कर लीजिए। ये इक्वल टू जीरो होगा इफ हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, दोनों जैकोबियन की वैल्यू जीरो आई है, दैट मीन्स दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। इफ कर्ल एफ जी बाय कर्ल एक्स पी प्लस, ये जीरो हो गया हम इसका यूज़ करेंगे, एंड यहाँ से आ गया कर्ल एफ जी बाय कर्ल वाई क्यू, ये भी जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। और यही कंडीशन हमें शो करनी थी कि अगर ये दोनों कंपैटिबल हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। वही हम लेके चलते कि अगर कंपैटिबल है तो इक्वल टू जीरो होगा एंड दिस टर्म इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमने इसको यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जेड की टर्म मिस है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव जीरो है तो वो जैकोबियन भी जीरो हो जाएंगे, देन कंडीशन इज होल्ड। देखिए अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर आपने किया है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, दीज इक्वेशंस आर कंपेटिबल, उसकी कंडीशन आपने पढ़ी है
एफ जी जो फॉर्मूला अभी अभी देखा ना इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम एक स्पेशल केस करते हैं, दैट मीन्स इसमें आपके पास फॉर्म कैसे गिवन होगी। जैसे इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे थी एक्स वाई जेड पी क्यू, सबकी टर्म्स में इक्वेशन आ सकती है। यहाँ पे जो देखेंगे हम स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी ऑफ एक्स वाई, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। एंड सेकेंड इज स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स पी क्या होता है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ले रही हूँ जैसे एक्स प्लस वाई, इस टाइप से ले लिया जाए क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक्स और वाई का ही मिलेगा आपको यहाँ पे, इसलिए पी ऑफ एक्स वाई लिया हमने। ठीक है, देन इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू, क्यू को हमने लिखा कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई, यानी कि एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एनी टर्म्स ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन फर्स्ट दिस इज, यहाँ लिख देती हूँ मैं कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को अगर कंपेटिबल चेक करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर कंपेटिबल इफ एंड ओनली इफ दीज आर द एग्जैक्ट डिफरेंट इक्वेशंस। आपने पढ़ा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कब होती है इक्वेशन एग्जैक्ट, कर्ल पी बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास पी ये कैपिटल क्यू, इफ एंड ओनली इफ दीज आर एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट की कंडीशन ये होती है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये बोथ इक्वेशंस आर एग्जैक्ट इफ कर्ल पी बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स आ जाएगा, देन इक्वेशन हमारी कंपेटिबल होंगी। और अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाता है, कर्ल पी बाय कर्ल वाई नॉट इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, दैट मीन्स दिस इक्वेशंस पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू ऑफ एक्स वाई दीज आर नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कंपेटिबल नहीं होगा, और अगर कंडीशन इक्वल आ जाती है तो कंपेटिबल हम शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट कंडीशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट की होती है या तो कहीं पे लिखा आ जाएगा कि आपके पास कंपेटिबल होगा जब इक्वेशन एग्जैक्ट होंगी, कहीं पे लिखा आ जाएगा कि कंपेटिबल होगा इफ़ कर्ल पी बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होल्ड करता है जब ये कंडीशन इक्वल होती है। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं कुछ के पास इक्वेशंस गिवन है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू सेवन एक्स प्लस एटीन वाई माइनस वन, दैट मीन्स एक्स और वाई में टर्म गिवन है। एंड यहाँ पे ये क्या होता है स्मॉल पी एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई स्मॉल क्यू इक्वल टू एक्स एंड वाई का फंक्शन दे रखा है। आपको बताना है कि क्या इक्वेशंस कंपेटिबल है या नहीं है। अभी हमने पढ़ा था द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस किस टाइप की, स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी ऑफ एक्स वाई मीन्स स्मॉल पी इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन स्मॉल पी होता है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। ओके, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई आर कंपेटिबल इफ एंड ओनली इफ, कब होती कंपेटिबल, इफ कर्ल पी बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स आ जाता है। यहाँ से देखिए इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको लिख रही हूँ मैं p इक्वल टू, एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूँगी तो ये फंक्शन है एक्स वाई का। एंड सेकेंड इज इसको मैंने लिखा q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सम एक्स वाई टर्म्स। तो कंपेयर करेंगे तो कैपिटल p की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैपिटल p इज दिस, ये आ जाएगा 7x प्लस 18y माइनस वन, एंड q इज दिस 9x प्लस 11y माइनस टू। नाउ हमें जो कंडीशन चाहिए वो निकालिए, कर्ल पी बाय कर्ल वाई मीन्स डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल में एक्स हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है जीरो, यहाँ से आ गया 18। ओके, एंड कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, देन यहाँ से 9 एंड दीज बोथ आर जीरो बिकॉज वाई इज ए कॉन्स्टेंट एंड ये कॉन्स्टेंट है ही आपके पास। अब देखते हैं क्या कर्ल पी बाय कर्ल वाई इक्वल है कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स के, इसकी वैल्यू 18 आ रही है इसकी 9 आ रही है, इम्प्लाइज दैट दीज आर नॉट इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते इम्प्लाइज दैट
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डाल दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर नॉट कंपैटिबल। दे रखा है इक्वेशंस, दे दिए आपके पास, आपको बताना है क्या ये कंपैटिबल है, और अगर कंपैटिबल आ जाती है तो उसको सॉल्व कीजिए। P इक्वल टू कंपेयर करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं कंपेयर करूँगी तो ये आ जाएगा स्मॉल p इक्वल टू p ऑफ एक्स वाई, एंड ये इक्वेशन स्मॉल q इक्वल टू q ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले हम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं, देन p की कैपिटल p की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6x प्लस 3y, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, एंड कैपिटल q इज़ 3x माइनस 4y। ओके, हमें चाहिए कर्ल p बाय कर्ल y इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इज 3, एंड कर्ल q बाय कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 3, एंड ये 0 आ जाएगा। नाउ दोनों इक्वल आ रहे हैं, कर्ल p बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल q बाय कर्ल x विच इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज कंपैटिबल। दोनों इक्वेशंस हमारे पास कंपैटिबल आ गई हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमने यूज़ किसका किया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो लिख लीजिए, फिर डी ऑफ यू, हम एम और एन कंपेयर करते थे, ठीक है, ये आप फर्स्ट में पढ़ चुके हो। देन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हो इसका, सबसे पहले आप इसको चेक करते हो कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसके लिए हम ये चेक कर ही चुके हैं, कर्ल एम बाय कर्ल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, कर्ल एम बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, ये हम चेक करते थे, अगर इक्वल आता है तो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, देन सॉल्यूशन हम निकालते थे, एम डी एक्स हेयर वाई इज अ कांस्टेंट, ओके इक्वल प्लस या इक्वल ले लीजिए, इसकी आ जाएगा एन डी वाई, बट एन की जब टर्म देते हैं हम यहाँ से, नॉट टर्म विच नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x नहीं होता वही टर्म हम लेते हैं, ओके ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे जो कंपैटिबल सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं हम कि दोनों इक्वेशन कंपैटिबल आ गई हैं, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन ऑफ इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड का करेंगे हम, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, यूज़ करेंगे एग्जैक्ट का, बट इसका सॉल्यूशन कैसे करना वो देखिए, डी जेड को हम लेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू आपके पास है p एंड q, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, डी जेड इज इक्वल टू p की वैल्यू है 3x माइनस प्लस 4 सॉरी 6x प्लस 3y इंटू डी एक्स, एंड q की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 3x माइनस 4y इंटू डी वाई, इसको हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, दैट इज m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6x प्लस 3y, एंड n आ जाएगा 3x माइनस 4y। एग्जैक्ट तो है ही ये, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x निकाल के देखेंगे हम, हमारे पास इक्वल आएगा, देन इक्वेशंस एग्जैक्ट हैं, देन राइट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए इसका, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट, एंड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड या फिर यहाँ पर ले सकते हो, वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड बाय इंटीग्रेशन,
अगर मैं थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ dz, ओके, राइट हैंड साइड पे हमने कहा कि ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी बन चुकी है यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन से निकालती हूँ देन एम डी एक्स, हेयर वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट प्लस एन टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई, ओके, प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी, डी जेड का इंटीग्रेशन आ जाएगा जेड, एम की वैल्यू रखिए यहाँ से, एम इज सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है, प्लस एन की जिसमें एक्स की टर्म नहीं है। अब एन हमारे पास है थ्री एक्स माइनस फोर वाई, यहाँ पर इसमें एक्स है तो हम लेंगे सिर्फ माइनस फोर वाई, एन की वो वैल्यू लेनी है, वो टर्म उठानी है जिसमें एक्स नहीं होगा, नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई प्लस सी, देन आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स वाई माइनस फोर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एन इक्वल टू थ्री टू, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज़ द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चारपिट मेथड एक्सरसाइज सेकेंड, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।